यहाँ हम लोग पार्टनरशिप का क्वेश्चन नंबर 61 कर रहे हैं। यहाँ पर दो लोग पहले से पार्टनर हैं, एक है मधु और एक है विधि। मधु का कैपिटल आप देख पा रहे हैं कि 5,20,000 रुपया है, विधि का कैपिटल 3,00,000 है। जनरल रिजर्व है 30,000, जो कि हम ओड रेशियो यहाँ आप देख पा रहे हैं 2:3 उसमें बांट देंगे। बिल्स पेबल जिसके खिलाफ कोई मतलब एडजस्टमेंट नहीं है वो हूबहू चला जाएगा बैलेंस शीट में। जो न्यू रेशियो है वो 2:3:5 है। गायत्री जो है वो नया पार्टनर आई है और वो 4,00,000 रुपया कैपिटल ला रही है और गुडविल का जो शेयर है वो लेकर के आ रही है आपको कैश में, और गुडविल जो है वो फर्म का 3,00,000 है। तो गायत्री जो है अपना रेशियो लाएगी तो 3,00,000 का 5/10 लाएगी यानी 1.5 लाख रुपया लाएगी, जिसको कि ये लोग बांटेंगे। और फिर लैंड जो है वो अंडर वैल्यूड हो रखा है 26,000 से। लैंड की आप वैल्यू देख रहे हैं 3,00,000, जो कि 26,000 से अंडर वैल्यू हुए है, यानी लैंड की वैल्यू बैलेंस शीट में आपको 3,26 लिखना है। और ये जो 26,000 रुपया है ये आपको रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेड इक्वल टू 5%। 3,00,000 का है डेटर, उसका 5% प्रोविजन करोगे तो 15,000 होता है। 10,000 पहले से प्रोविजन है, यानी 5,000 रुपया आपको और एक्स्ट्रा प्रोविजन करना होगा, और जो एक्स्ट्रा प्रोविजन करना होगा वो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। और एक क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन फंड का 6,000 का, इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट में डालेंगे और बैलेंस शीट में डाल देंगे हम लोग एज ए लायबिलिटी साइड। तो यही है एडजस्टमेंट जो था, जिसको हम लोग डिस्कस कर लिया। और अब सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ हैं आदित्य जी, वो बनाएंगे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए साथ साथ बताते भी रहना है कि क्या करना है। ये प्रोविजन जो है वो करना है, प्रोविजन 3,00,000 का है, उसका 5% 15,000, 10,000 का प्रोविजन पहले से है तो 5,000 रुपया यहाँ पे और प्रोविजन होगा 5,000 रुपीज। और वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए 6,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो उसके लिए मैं WCF लिख दे रहा हूं, 6,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो जा रही है। प्रॉफिट निकालने से पहले आपको जो डेबिट साइड का है वो सारा कुछ लिख लेना चाहिए। तो डेबिट साइड में क्या क्या चीजें हैं उसको आप लिख लीजिए पहले, तभी पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। यहां पर जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी वो अंडर वैल्यू हो रखा था 26,000, तो वो 26,000 बढ़ाएंगे, 26,000 बढ़ा दिया। बैलेंस शीट में लिख लीजिए इसका इम्पैक्ट कि लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट में लिख लीजिए इसका इम्पैक्ट कि लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट नीचे है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है एसेट साइड, एसेट साइड हाँ 3,26,000 लैंड एंड बिल्डिंग, 3,26,000, 3,26,000 गुड। डेटर जो है वो 3,00,000 का था, उसपे 5% प्रोविजन कट गया तो 15,000 प्रोविजन कट गया, तो 3,00,000 में से 15,000 चला जाएगा तो 2,85,000, 2,85,000। 10,000 का प्रोविजन पहले से है तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा करना पड़ा प्रोविजन। मशीन जो है वो 2,80,000 का है। स्टॉक 80,000 रुपीज का है। बैंक का आपको दिखाना होगा कैलकुलेशन कि बैंक में शुरू में कितना था। बैंक का कैलकुलेशन दिखा दीजिए, बैंक का कैलकुलेशन बगल में दिखाइए कि कितना था और अभी क्या क्या आ रहा है। बगल में एक अलग से वर्किंग नोट दिखा दीजिए कि बैंक में शुरू में कितना था। बैंक में शुरू में 50,000 रुपया है, 4,00,000 रुपया वो कैपिटल ला रहा है और 1.5 लाख रुपया गुडविल ला रहा है। बैलेंस था बैंक का 50,000, वर्किंग नोट में लिखिए बैंक का बैलेंस 50,000, बैलेंस 50,000। वही सामने लिख दीजिए हाँ, कैपिटल लाया है 4,00,000, और 1.5 लाख रुपया गुडविल लाया है, गुडविल 1.5 लाख,
और ये सारा एड ऑन होकर के 6 लाख रुपया हो जा रहा है। तो बैंक में आपको 6 लाख रुपया दिखाना है, सिक्स फिफ्टी होगा, 650 नहीं होगा, 6 लाख ही होगा। सिक्स फिफ्टी कैसे हो रहा है? ओके चलिए कैरी ऑन। बैंक तो यहां हमको दिख रहा है कि बैंक में है, अच्छा कुछ नहीं, कुछ कैश तो नहीं है पड़ा हुआ, 50,000 ही है, ठीक है। और 4 लाख बोला है तो 4 50 और गुडविल जो है 3 लाख का है, उसमें वो 5/10 1.5 लाख, 6 लाख ही होगा। यस आगे अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल दीजिए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल दीजिए। 26 में से 11 गया, 26 को लिखिए एक जगह वहां उसको नीचे, हाँ 26 माइनस 11 15,000 का प्रॉफिट हो गया, 15,000 का प्रॉफिट वहां दिखा दीजिए रिवैल्यूएशन का। अब इस प्रॉफिट को मार्क दीजिए पार्टनर्स में, पहले पार्टनर्स का बैलेंस लिख दीजिए, मधु का लिख दीजिए, नाम लिखिए सबका, मधु विधि और गायत्री, ऊपर पार्टिकुलर के सामने मधु विधि और गायत्री, वहां भी मधु विधि गायत्री विधि और गायत्री, बैलेंस लिख दीजिए मधु और विधि में 5,20 और 3 लाख बैलेंस। इस तरफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बैलेंस, हाँ बैलेंस बोल करके लिख दीजिए 5,20,000 और 3 लाख रुपया विधि का। गायत्री वाले में बाय कैश बोल करके लिख दीजिए 4 लाख रुपया कैश लिख दीजिए, बैलेंस के नीचे, बैलेंस के नीचे कैश, हाँ उसी रूम में आगे लिख दीजिए 4 लाख रुपया, गुड। जनरल लेजर पहले मार्क दीजिए, 30,000 है, 2:3 में मार्टी है तो 12,000 और 18,000 जनरल रिजर्व, 12,000 और 18,000, 18,000 गुडविल मान दीजिए, 1.5 लाख रुपए का गुडविल है तो 60 और 90, हाँ 60 कितना 80 और 90. नहीं 60 और 90 बांटिए, 1.5 लाख का ही गुडविल होगा, फॉर्म का गुडविल है 3 लाख, हाँ 60 और 90, हाँ टोटल कीजिए और तो कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मार दीजिए 15,000 का, 6,000 और 9,000, 6,000 और 9,000, हाँ टोटल कीजिए 5,20 और 12, 5,20 60, 5,80, 598 मधु का, अठारह नौ 27, 3,90 और 27, 4,17 विधि का 4,17,000, गायत्री का 4 लाख, इसको बैलेंस शीट में लिखना है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख दीजिए, हाँ लिखिए कैपिटल मधु नीचे 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 कैपिटल मधु 5,98,000 598 विधि 4,17,000
4,17,000, गायत्री का 4 लाख, और बिल्स पेबल है 1.5 लाख का, वो लिख दीजिए, बिल्स पेबल 1.5 लाख। ₹1.5 लाख अब ये सारा टोटलिंग होगा तो आ जाएगा 15, और भी कुछ है, और क्लेम लिख दीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 6,000 लिख दीजिए, WCF जो आपने लाइबिलिटी बनाया वहां पर रिवैल्यूशन में, ₹6,000 का, और इसको टोटल करके नीचे लिख दीजिए 15,71,000, 1571। और इस तरह भी अगर टोटल कीजिएगा तो 1571। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 61 है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम क्वेश्चन नंबर 62 और 63 करेंगे। थैंक यू।